एक क्वेश्चन किया था सेंटर ऑफ मास में, डिस्क है, डिस्क में से एक छोटी डिस्क काट के फेंक दी, सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ? फिर दोबारा किया हमने, एक डिस्क है, डिस्क में से डिस्क काट के फेंक दी, तो मोमेंट इनर्शिया की बची हुई डिस्क की क्या हुई? डिस्क कटिंग दो बार की थी। अब स्फेयर कटिंग है, वो कह रहे एक स्फेयर है, एक स्फेयर है और एक पॉइंट मास है। इस स्फेयर ने पॉइंट मास को अट्रैक्ट किया कितनी फोर्स से? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, डन। पर किसी ने क्या किया, इस स्फेयर में से इस स्फेयर आर बाई टू के स्फेयर को काटा और फेंक दिया। अब बचा हुआ स्फेयर बन मिल गया, बच गया। बचा हुआ स्फेयर इस पॉइंट मास पे अब क्या फोर्स लगाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो लॉजिक ये है, मैं एक बॉडी एक पॉइंट मास पे फोर्स लगा रहा हूं, मान लो 10 न्यूटन, और मेरी बॉडी में ये मास भी आता है 10 न्यूटन अट्रैक्टिव। ठीक है, 10 न्यूटन अट्रैक्टिव। किसी ने इस मास को उठा के फेंक दिया, तो बची हुई बॉडी ने कितनी फोर्स लगाई? तो ऐसा क्यों नहीं करते, पहले मेरी बॉडी और इस बॉडी ने नेट फोर्स 10 लगाई थी, अब मेरी बॉडी को छोड़ दो, बस इसने कितनी फोर्स लगाई ये कैलकुलेट कर लो, जिसको उठा के फेंकना है, मान लो 2 न्यूटन। तो जब आप इसे फेंक दोगे तो अब मेरी तरफ से फोर्स क्या लगेगी, पहले 10 थी दोनों मिला के, तो वो डिब्बे ने कितनी लगाई थी? 2, तो बची कितनी? 8। आंसर माइनस कर लो, 8 आ गया। सेम रूल लगाएंगे, पहले पूरे स्फेयर की फोर्स लगाएंगे, फिर कटी हुई बॉडी जिसको फेंकना है उसकी फोर्स निकालेंगे, फिर बची हुई बॉडी की फोर्स कैसे निकलेगी, पूरी बॉडी की फोर्स में से कटी हुई बॉडी की फोर्स को माइनस करके बची हुई बॉडी की फोर्स आएगी। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? तो पहला स्टेप क्या होगा, पूरी कंप्लीट बॉडी की फोर्स निकालना। कंप्लीट बॉडी की फोर्स निकालने के लिए, कंप्लीट बॉडी लें, कैपिटल एम मास है, स्मॉल एम पॉइंट मास है, डिस्टेंस इनके बीच में डी है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है? जी एम एम बाय डी स्क्वायर, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, जो कटी हुई बॉडी है उसका मास नहीं पता मुझे, तो निकाल लो स्फेयर में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओवर इट्स वॉल्यूम। तो अगर टोटल वॉल्यूम स्फेयर का 4/3 πr³ है, तो मास क्या है? एम है, 1 है, तो इतना, और जो कटी हुई बॉडी उसका रेडियस r/2 है, तो इसका वॉल्यूम का मास क्या जाएगा? m/8। तो वॉल्यूम से हमने मास निकाल लिया कटी हुई बॉडी का। अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये हो गया, जो कटी हुई बॉडी है इसका मास कितना है? m/8। और इसके सेंटर से इसकी दूरी क्या है, ये कितना है? r/2। ये कितना है? d। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d − r/2। तो डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, तो कटी हुई बॉडी के सेंटर से उस पॉइंट मास की दूरी क्या हो गई? r/2, d − r/2। कोई डाउट इसमें? तो ये देखो, तो इसमें ये बॉडी है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? d − r/2। इसका मास m/8 है, तो ये बॉडी, कटी हुई बॉडी, इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगी? जी। इसका मास क्या है? m/8, पॉइंट मास बाय d − r/2 का होल स्क्वायर। तो अब नेट फोर्स क्या होगी, टोटल फोर्स में से इस फोर्स को क्या कर देना है? माइनस, वो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन गिवन होगा वैसे ऑप्शन सिंप्लीफाई करके मैं जो है इसमें मार्क करना है। मेंस में थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड आती है, इस टाइप की आ जाती है, नीट में ही क्वेश्चन थोड़ा ईजी आ जाएगा, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन बोलते हैं, क्योंकि दो अलग अलग बॉडीज हैं, एक कटी हुई, एक बची हुई और एक कटी हुई, दोनों ये फोर्स लगा रहे थे 10, ये टोटल फोर्स 10 लगा रहे थे, इसमें से ये 2 लगा रही थी, इसको हटा दिया तो बचा कितना? 8। तो प्लस माइनस हो रहा है फोर्स का, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?